सरकार के द्वारा चाहे कितने भी जतन किए जा रहे हो, भूमाप या एंटी करप्शन टीम जैसी टीम का भी गठन किया गया हो, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही बयां कर रही है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की जहां योगी सरकार के सख्त आदेशों के बावजूद अवैध निर्माण व अवैध जगहों को कब्जाने का काम जोरों शोरों पर चल रहा है। जी हां, इतना ही नहीं, यहां तो इंसानियत को भी शर्मिंदा कर दबंगों ने कब्रिस्तान को भी नहीं बख्शा। कब्रों को तोड़कर उस पर भवन का निर्माण किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे संवाददाता अर्पित भारद्वाज की स्पेशल रिपोर्ट में। केंद्र में बैठी मोदी सरकार हो या उत्तर प्रदेश में बैठी योगी सरकार, दोनों ही सरकारें चाहे कितनी भी कवायद कर रही हो, अवैध निर्माण एवं अवैध जगहों को रुकवाने की, चाहे कितनी भी भू माफिया एंटी करप्शन टीम का गठन कर रही हो, लेकिन जो जमीनी हालात हैं वो बद से बदतर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के छोटे बड़े सरकार की, जहां दबंगों एवं कुछ पीरजियों के द्वारा यहां पर अवैध जगह कब्जाने का मामला सामने आया है। जब यह मामला मीडिया की नजर में आया तो लोगों ने मिलकर, मीडिया के साथ मिलकर जिलाधिकारी बदायूं को इसका ज्ञापन दिया और उनको सूचित किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि दबंगों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने काम रोकने की हिमाकत भी नहीं की और उनके उनके दिलों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। यह एक बड़ा सवाल उठता है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन इस पर किस तरह की क्या कार्रवाई करता है। आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, यहाँ पर एक और इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर कब्रों को खोदकर अवैध निर्माण किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि प्रशासन इस पर किस तरह की कड़ी कार्रवाई करता है। मैं कैमरामैन शालिम के साथ अर्पित भारद्वाज, समाचार एक्सप्रेस न्यूज बदायूं। पूरा मामला बदायूं के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत स्थित मैसूर दरगाह बड़े सरकार का है, जहां भूमाफियाओं ने दबंगों के साथ मिलकर कई जगहों पर अवैध निर्माण व जगह कब्जाने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत कमेटी ने जिलाधिकारी से की है। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए, लेकिन सवाल ये है कि अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें, इतना ही नहीं, यहां तो इंसानियत को भी शर्मिंदा कर दबंगों ने कब्रिस्तान को भी नहीं बख्शा। यहां पर कब्रों को तोड़कर उस पर भवन निर्माण तक कर डाला। कब्रिस्तान और बड़े सरकार की सारी संपत्ति सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ की है। इस पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह का निर्माण करने से पहले सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ से अनुमति लेना अनिवार्य है, जो कि 99 साल तक मान्य होती है। लेकिन इन भूमाफियाओं ने दबंगई के बल पर कई जगह बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया। अतः दरगाह में गठित कमेटी द्वारा इस पर आपत्ति जताई है। जब कमेटी से पूछा गया तो कमेटी सेक्रेटरी ने खुद बताया कि कुछ लोग इसमें कमेटी के भी शामिल हैं, जिनके संरक्षण में दबंग भूमाफिया अवैध तरीके से निर्माण कार्य कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, दरगाह में स्थित कब्रों को भी तोड़कर उस पर भवन निर्माण किया जा रहा है। इससे लोगों के बीच भारी आक्रोश है, लेकिन दबंग होने के कारण कोई भी व्यक्ति बोलने या उन्हें रोकने का साहस नहीं कर पा रहा। फिलहाल प्रशासन जांच कर कार्रवाई की बात कर रहा है। इससे प्रशासन पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता नजर आ रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, इससे कहीं न कहीं प्रशासन की छवि भी धूमिल होती नजर आ रही है।